सब्सक्राइब करें BK24 को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका BK24 स्टडी जोन में। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के MCQ UPPSC RO के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जॉब डिटेल और स्टडी मटेरियल मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। हमारे चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कच्छप, दूसरा ऑप्शन था मत्स्य, तीसरा ऑप्शन था वराह और चौथा ऑप्शन था नरसिंह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो जैसा कि आपको रेड से दिख भी रहा है, इसका सही आंसर है वराह। ठीक है, तो विष्णु के वराह अवतार को जो है समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है या अंकित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन है, ये जो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, ये प्रहसन का लेखक कौन था। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। ठीक है, चार ऑप्शन थे। हमारा पहला ऑप्शन था गौतमीपुत्र, दूसरा ऑप्शन था गौतमीपुत्र सातकर्णी पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था महाक्षत्रप रुद्रदामन, तीसरा ऑप्शन था महेंद्र वर्मन, चौथा ऑप्शन था पुलकेशी द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लव वंश के शासक हैं और इन्होंने जो है तमिल के एक संत थे अय्यर, उनसे ये प्रभावित होकर जो है ये जैन धर्म से जो है शैव धर्म को मानने वाले लोगों में उसमें जो है ये शामिल हो गए थे। ठीक है, और इन्होंने ही जो है मत विलास प्रहसन का जो है लेखन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अपना देख रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है बकरी के लिए, दूसरा है गाय के लिए, तीसरा है हाथी के लिए और चौथा है घोड़े के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है गाय के लिए। गाय को जो है अघन्या बुलाया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अपना देख रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया सामने और वो है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कुषाण काल, दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन है वर्धन काल में और चौथा ऑप्शन है राजपूत काल में। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ प्रतिमा है वो जो है गुप्त काल से संबंधित है। जैसा कि आप लोग को पता भी है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, तो आप को अगर इस बारे में नहीं पता है तो आप BK24 स्टडी जोन यानी कि इस चैनल पे जाएं और उसमें देखें। इसमें काफ़ी वीडियो आपको इतिहास से संबंधित मिलेगी। याद रखें, किसी भी एग्ज़ाम का इतिहास जो है कई बैकबोन है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको एक से एक अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन ये आया सामने, वो है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन फिरोज तुगलक और चौथा ऑप्शन सिकंदर लोदी। तो रेड से मार्क है सही ऑप्शन सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है अनाज पे से जो इन अनाज और व्यापार दोनों पर जो है कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था, जिससे जो है लोगों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। अगर आपने BK24 स्टडी जोन की वीडियो देखी है और या फिर आपने युद्ध के बारे में पढ़ा है तो इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से पता होगा कि इसका सही आंसर खानवा का युद्ध है। खानवा के ही युद्ध में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है याद कर लीजिए। ये ना सिर्फ RO में बल्कि और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में आया था। तो जो अलबरूनी भारत में आया था इसके ऑप्शन दिए हुए थे 9वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन था 10वीं शताब्दी में, तीसरा ऑप्शन था 11वीं शताब्दी में और चौथा ऑप्शन था 12वीं शताब्दी में। तो इसका जो सही आंसर था वो था
उत्तर सी यानी कि 11वीं शताब्दी में, अल्बरूनी जो है भारत 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो पहला है चैतन्य, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है नामदेव और चौथा है वल्लभाचार्य। और इसका सही आंसर रेड से मार्क है नामदेव। ठीक है, नामदेव जो है भक्ति आंदोलन में जो है इस्लाम धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला, जो कि है शिवाजी ने पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? ठीक है, तो इनके चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन जय सिंह, तीसरा ऑप्शन शाइस्त खां और चौथा ऑप्शन था दिलेर खां। ठीक है, और इसका जो सही आंसर था वो था दूसरा यानी कि जय सिंह। ठीक है, पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अपना लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, ए ओ ह्यूम, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है डब्ल्यू सी बनर्जी और चौथा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है 1885 में महासचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जस्टिस रानाडे, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, तीसरा ऑप्शन है विजय तिलक और चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस रानाडे यानी कि पहला ऑप्शन जो कि रेड कलर का आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अपना लेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? चार ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है वैयक्तिक सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो जैसा कि आप रेड से देख रहे हैं आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। इन्होंने जो है 1942 ईस्वी में जो है भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड ये रही थी और इन्होंने जो है अंडरग्राउंड रहते हुए ही जो है इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चार ऑप्शन, जे बी कृपलानी, दूसरा ऑप्शन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है जमशेद जी। ठीक है, क्या लगता है कौन सा सही आंसर होगा? रेड से दिख रहा है जे बी कृपलानी। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है 1946 में मेरठ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का जो है अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ठीक है, तो इसका जो है चार ऑप्शन हमारे सामने दिख रहे हैं हमको। जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन है, उसके बाद है एम ए जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो आपने चार ऑप्शन देखे और आंसर भी सामने सामने दिख रहा है आपको रेड कलर में, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है 1935 में जो है 35 में जो है भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये थे जो है 2010 में आरओई आरूमा आए हुए एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो हिस्ट्री के, तो मैंने ये सामने सामने आपके रखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें।